नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध बहुत पुराने हैं। हालांकि बीच में दोनों के संबंधों में एक खटास आ गई थी, लेकिन उसके बाद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अब बिहार में सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ऑफर किया है कि वो चाहते हैं तो आए हमारे साथ और उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पहले भी जदयू ने अप्रोच किया था कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में खटास आ गई है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्ट कर रहे हैं उसको लेकर के देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तल्ख मिजाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि साथ चलने में कठिनाई हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब खास करके अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो एनडीए में संबंध चल रहे थे उसमें और दो दल थे। उन दोनों दलों की तरफ से भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ वो खड़े हैं और एनडीए में ही रह करके ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के एक्ट शुरू कर दिए हैं, जिस तरह से वो क्रियाकलाप कर रही है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रही है और नीतीश कुमार के लिए बिहार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि बिहार का विकास उनका मोटिव है, उनका मोटो है और उससे वो अलग नहीं हो सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उसे बताना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में कुछ और ऐसी बातें हो गई जिसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी परेशान दिख रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चला रही है। इन बातों को लेकर के वो मुखर भी हुए और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक्ट कर रही है तो आगे क्या कुछ होगा, नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कह दिया कि वो बिहार के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं, अगर भाजपा को आना है साथ तो आए, यूं ही झूठ मूठ का बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। अगर ऐसा लगता है कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ, बिहार पिछड़ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर फिर से विचार करना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार को लेकर के और बदले हुए रवैये को लेकर के जदयू के नेताओं के भीतर भी खलबली मची हुई है और लगातार वो अपने बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो या अन्य मुद्दे हों, हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने से नज़र आती हैं लेकिन पीछे से कुछ और हैं। राजनीति में हमने आपको कई बार बताया है कि संकेत बहुत बड़ा चीज़ होता है और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संकेत दे दिया है कि यदि वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये उनके लिए कहा जाए तो अंतिम अल्टीमेटम होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव सहित अन्य पांच राज्यों में 2022 के शुरुआत में ही होने वाले चुनाव की तरफ फोकस्ड है, वहीं बिहार में उठे इस नए ज्वारभाटा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पेशोपेश में पड़ी हुई है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का खुद से संज्ञान लेना और लीड लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी बिल्कुल नीतीश कुमार जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के इस अल्टीमेटम के बाद क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार सेक्टर में बदलाव होता है या फिर केंद्रीय नेतृत्व को आगे आकर के संज्ञान लेना पड़ता है। लेकिन एक तरफ ये साफ कर दिया नीतीश कुमार ने कि सरकार रहे या जाए, नीतीश कुमार अब पीछे मुड़ करके देखने वाले या बैक स्टेप नहीं होने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ही एक बार फिर से पीछे आना पड़ेगा या नीतीश कुमार के सामने और उनके नीतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने जो शब्द हैं उसे वापस लेना पड़ेगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।